Very good morning, students. I am Enu Mathur with all of you from DAV Public School, Seekar. आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट चैप्टर सेवन, सब्जेक्ट है आपका EVS, पार्ट इसका वन, और इस चैप्टर का नाम है नेबर्स एंड नेबरहुड. अब देखो, आप जहाँ पर भी रहते हो, तो जहाँ पर भी आपका घर है, तो आपके आसपास कुछ लोग रहते हैं, ठीक है. तो वो क्या होते हैं, आपके नेबर्स होते हैं. क्या होते हैं वो, आपके नेबर्स. नेबर्स मीन्स क्या होता है, पड़ोसी. देखो, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है NEIGHBOURS, नेबर्स मीन्स क्या होते हैं, पड़ोसी. जो लोग आपके आसपास रहते हैं, द पीपल हु लिव अराउंड अस, ठीक है. जो हमारे चारों ओर, हमारे घर के चारों ओर जो लोग रहते हैं, उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं ना, तो इसे कहते हैं नेबर्स, ठीक है. और जो नेक्स्ट है वो है नेबरहुड. नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस. नेबरहुड मीन्स क्या होता है, पड़ोस. तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड मीन्स क्या होता है, पड़ोस. तो आपके आसपास का जो एरिया, आपके घर के या जहाँ भी आप रहते हो, उसके आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सी जो प्लेसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसके आसपास मार्केट हो सकता है, बैंक हो सकता है, कुछ शॉप्स हो सकती हैं, है ना, हॉस्पिटल भी हो सकता है. तो आपके आसपास का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, उसके आसपास जो प्लेसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेबरहुड मतलब पड़ोस. जैसे, और उसके आसपास हाउसेज भी हो सकते हैं जिसमें लोग घर भी रहते भी हैं, तो आपके आसपास हाउसेज भी हो सकते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, नेबरहुड या पड़ोस कहलाते हैं. तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट. द पीपल, द पीपल लिविंग एंड वर्किंग, लिविंग एंड working around our house, living and working around our house, around our house form our neighborhood, form our neighborhood. देखो, द पीपल, पीपल मीन्स क्या होते हैं, लोग. पीपल मीन्स लोग, PEOPLE, पीपल मीन्स क्या होते हैं, लोग. लिविंग एंड वर्किंग, जो रहते हैं और काम करते हैं, अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के चारों ओर, तो उनसे ही क्या होता है, आपका नेबरहुड या पड़ोस जो होता है वो बनता है. तो इसमें ये पता है, हमारा जो पड़ोस होता है वो किससे बनता है, उन लोगों से बनता है, है ना, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, और तो जो आपके घर के आसपास रहते हैं, ठीक है, जो इनके घर हैं वहाँ पर, तो उनसे आपका पड़ोस बनता है, ठीक है. आप कहते हो ना कि ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, है ना, और उसके बाद में वर्किंग करते हैं, ठीक है, वो भी, उनसे भी क्या बनता है, हमारा नेबरहुड बनता है. जैसे मार्केट में लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, सभी अपना काम करते हैं ना मार्केट में, तो उससे भी आपका पड़ोस बनता है. इसके अलावा बैंक में भी जो सभी लोग काम करते हैं, शॉप्स में भी सभी लोग काम करते हैं, तो ये इनसे आपका क्या बनता है, नेबरहुड या पड़ोस बनता है. पीपल हु लिव नेवर नियर आवर हाउस, people who live near our house are our neighbors, NEIGHBOURS. ये स्पेलिंग आपको लर्न करनी है. people who live, लोग जो रहते हैं हमारे घर के पास में, नियर आवर हाउस, आर आवर नेबर्स. तो नेबर कौन होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके घर के पास में रहते हैं, वही क्या होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं ना, आपके नेबर होते हैं ना, तो ये हमारे नेबर होते हैं, आर आवर नेबर्स. तो आपको समझ में आ गया ना, नेबर्स एंड नेबरहुड, इसमें क्या डिफरेंस होता है. नेबर्स केयर फॉर वन अनदर. अब देखो, ये जो नेबर्स होते हैं,
केयर करते हैं किसकी, एक दूसरे की, फॉर वन अनदर। देखो नेबर्स जो होते हैं पड़ोसी, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, वही अच्छे नेबर होते हैं जो एक दूसरे का क्या करते हैं, केयर करते हैं, जो जब भी कोई समय आता है तब वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। ठीक है, आप चाहते हो ना कि आपके जो पड़ोसी हों वो कैसे हों, अच्छे हों। यदि वो अच्छे लोग होंगे तो आप सोचोगे कि अरे हम भी घूम आते हैं हमारे पड़ोस में, है ना। आप क्या, आपका मन करता है ना कि हमारे पड़ोस में देखो अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं, तो आपका मन क्या करता है, हम उनके साथ खेलने के लिए चलते हैं। ठीक है, अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। और यदि आपके घर के आसपास अच्छे आपको नहीं मिलते लोग, तो क्या होता है, आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो और यदि वो अच्छे से रहते हैं, ठीक है, तो आपको भी उनसे कुछ सीखने के लिए भी मिल जाता है, खेलने के लिए भी मिल जाता है। तो नेबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे जो नेबर्स होते हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं, केयर करते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स इन अवर नेबरहुड। अब देखो, देयर आर मैनी, तो ये तो आपको बताया था नेबर्स के बारे में, अब बताते हैं नेबरहुड के बारे में, पड़ोस के बारे में। देयर आर मैनी थिंग्स इन अवर नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स क्या होता है, पड़ोस। तो हमारे पड़ोस में बहुत सी चीज़ें होती हैं, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि देयर आर मैनी प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। हमारे जो नेबरहुड होता है पड़ोस, उसमें उसके चारों ओर बहुत से प्लेसेस होती हैं। अब हमें ये जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं हमारे चारों ओर, इनके बारे में ही पढ़ना है। अब हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड, सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। हमारे पड़ोस में कुछ जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में हम जानते हैं। देखो सबसे पहले आप देखते हो कि आपके घर के आसपास आप क्या होता है, मार्केट होता है। ठीक है, मार्केट के बिना आप चीज़ लेने के लिए कहाँ से जाओगे, कहीं जो चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरत की, वो कहाँ पर मिलती हैं, हमें मार्केट में मिलती हैं। तो नंबर वन लिखेंगे हम मार्केट। हमारे घर के आसपास मार्केट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मार्केट कौन सा प्लेस होता है, वेयर वी गेट डिफरेंट थिंग्स। मार्केट इज़ अ प्लेस, मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी गेट डिफरेंट वेयर वी गेट डिफरेंट थिंग्स ऑफ अवर डेली नीड, डिफरेंट थिंग्स ऑफ अवर डेली नीड। हमारी जो डेली नीड की जो हमारी डेली की जो ज़रूरतें होती हैं उनकी जो चीज़ें मिलती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, मार्केट। अब हमारी डेली नीड की चीज़ें कौन सी होती हैं, जिनको आपकी रोज़ ही ज़रूरत होती है। अब देखो, देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट। अब मार्केट में जो चीज़ें मिलती है वो किस में मिलती है, शॉप्स में मिलती है ना। देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट। लेट्स रीड, मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट वो जगह होती है वेयर वी गेट, जहाँ से हमें मिलती हैं क्या चीज़, डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें ऑफ अवर डेली नीड। हमारी जो डेली नीड की चीज़ें होती हैं, डेली की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट, मार्केट में क्या होती हैं, बहुत सी
शॉप्स होती हैं। अब बताओ डेली नीड की जो आपको डेली चाहिए वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, नहाते हो, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, सोप चाहिए, शैम्पू चाहिए। आप क्या करते हो, ब्रश करते हो, तो आपको क्या चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए और ब्रश चाहिए, ठीक है। तो आपके क्लोथ्स भी चाहिए पहनने के लिए, है ना, शूज़ चाहिए, सॉक्स चाहिए, आप तैयार होते हो, बैग चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन, नोटबुक, बुक, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, शॉर्पनर, इरेजर, तो आप कहाँ से लेकर के आते हो, किसी शॉप से। और शॉप कहाँ पर होती है, मार्केट में ही तो होती है। तो आपका ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मार्केट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है आपका पार्क। अब देखो पार्क कौन सी प्लेस होती है, पार्क इज़ ए प्लेस, पार्क इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू, वेयर वी गो टू प्ले विथ आवर फ्रेंड्स, जहाँ हम किसके लिए जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाते हैं। पार्क इज़ अ प्लेस, पार्क एक वो जगह होती है, वेयर मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स वैसे तो कहाँ होता है, बट जब वेयर बीच में आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ। वी मीन्स क्या होता है, हम, गो मीन्स क्या होता है, जाते हैं, टू प्ले मीन्स खेलने के लिए, विद अवर फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। आप कहाँ पे जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, यू गो टू पार्क ना, तो और जो बच्चे होते हैं वो तो कहाँ पर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू पार्क टू प्ले। और जो ग्रोन अप्स होते हैं वो किसके लिए जाते हैं, गो फॉर ए वॉक। ग्रोन अप्स कौन होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो बच्चे नहीं होते, ठीक है। ग्रोन अप्स किसके लिए जाते हैं, गो फॉर ए वॉक, गो फॉर अ वॉक एंड स्पेंड टाइम with their friends, in the park. अब देखो जो ग्रोन अप्स होते हैं वो किसके लिए जाते हैं, फॉर ए वॉक के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा वॉक करने के लिए जाते हैं, आपके पापा मम्मी जाते होंगे, पेरेंट्स जाते होंगे, आपके भैया दीदी वगैरह किसके लिए जाते होंगे, वॉक के लिए। एंड और क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम, क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं विद देयर फ्रेंड्स, वहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में इन द पार्क। तो आपने देखा कि आपके घर के आसपास क्या होता है, एक पार्क भी होता है, जहाँ पर बच्चे किसके लिए जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू प्ले, और जो ग्रोन अप होते हैं वो किसके लिए जाते हैं, बड़े लोग फॉर ए वॉक के लिए जाते हैं, टाइम स्पेंड के लिए जाते हैं। अब ये देखो पिक्चर, इसमें आपको मार्केट का पिक्चर दिखाई दे रहा है। देखो ये इसमें क्या है, बेकरी है ना, और यहाँ पर क्या मिलते हैं, बिस्किट, ब्रेड वगैरह मिलते हैं, ये तो को ग्रोसरी शॉप है। यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये है आपका मेडिकल स्टोर, तो ये आपका मार्केट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स होती हैं। एंड नाउ लुक द पिक्चर ऑफ पार्क, ये देखो पार्क की पिक्चर है, इसमें आप ये देखो बच्चे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर, है ना, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या कर रहे हैं, सभी मिलकर के खेल रहे हैं। तो आपने देखा मार्केट और पार्क। तो क्लास फर्स्ट जितना आपको समझाया है चैप्टर समझ में आ गया होगा, सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो आपको बताई है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।